नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारतीय समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नेताओं की शहर पर संचालक ने लगाया मेला, कोरोना के चलते प्रशासन ने लगाई रोक, हुआ भारी नुकसान। भीड़ से पिटाई के बढ़ते मामलों पर बोले शिवराज, ऐसा कुछ लेंगे कि लोग ऐसा करने से पहले 17 बार सोचेंगे। संघ के एजेंडे चादर और फादर मुफ्त भारत को धार देगा बीएचपी, लव जिहाद और धर्मांतरण को गरमाने की प्लानिंग। सत्ता पर नियंत्रण को लेकर आपस में भिड़े तालिबानी, सरकार गठन से पहले ही नेताओं में सामने आए मनमुटाव। अमेरिका की डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन बचे, 45,000 से ज्यादा लोग अफगानिस्तान छोड़ने के इंतजार में। रोहड़ी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है, वहीं एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है। एनडीआरएफ के निरीक्षक डीपी चंद्रा ने बताया कि रोहड़ी नदी में दूसरी बार उफान के कारण नौतनवा के बहुत सारे गांव जल से घिर चुके हैं और कुछ गांव में पानी घुस गया है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एनडीआरएफ की एक टीम को जनपद में तैनात कर दिया है। एनडीआरएफ की टीम ने जनपद में पहुंचते ही क्षेत्र का दौरा किया तथा स्थितियों का मूल्यांकन किया। इसी क्रम में प्रशासन द्वारा खबर मिली, कुछ लोग तहसील नौतनवा के सैमराहा गांव में पानी घुसने के कारण फंस गए हैं। शाम का समय हो चुका था, फिर भी एनडीआरएफ टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए उस गांव में पहुंची और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार भारी बारिश की वजह से रोही नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था। उसी क्रम में एनडीआरएफ की एक टीम महाराजगंज में नतनवा तहसील में डिप्लॉयड की गई है और आज एसडीएम नतनवा के द्वारा सूचना दी गई कि सिमरहवा गांव में कुछ घरों में काफी पानी भर गया है और उनको तुरंत निकालने की आवश्यकता है। और खबर के अनुसार एसडीएम सर के साथ हमारी टीम यहां पे पहुंची थी और 12 लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया है और उनको सेफ जगह में पहुंचाया गया है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में निर्भया कांड में दोषियों को फांसी की सजा दिलाने वाली सुप्रीम कोर्ट की तेज तर्रार एडवोकेट श्रीमती सीमा समृद्धि कुशवा का स्वागत सहजलपुर शिकोहाबाद एके इंटर कॉलेज के शिक्षक राजू सिंह कुशवा के निवास पर किया गया। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में आज सीमा समृद्धि कुशवा ने कहा कि महिलाओं को अपनी हकीकत तथा शक्ति को समझना होगा। आज महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना चाहिए, तभी वो अपने हक पर सम्मान पा सकती है। वहीं उन्होंने लोगों से कहा कि महिलाओं को स्वतंत्रता दें, तभी हमारा देश सशक्त होगा। इस मौके पर कई एडवोकेट के अलावा अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। देखिए, महिला सशक्तिकरण जो है, अगर किसी भी देश को, किसी भी समाज को और किसी भी परिवार को अगर अपने आप को स्थापित करना है, विकास करना है, उसको विकसित करना है, तो बहुत जरूरी है कि हर घर की उस स्त्री को उतनी ही आज़ादी मिले जितनी पुरुषों को है। चाहे हमारे घर की बेटियाँ हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारी बहन हो, क्योंकि आज अगर आप लोग सीमा का सम्मान कर रहे हैं तो इस बेटी ने जिद की, बाहर निकली, उसके अपनी स्वतंत्रता के साथ बाहर निकली, तब वो अपने आप को प्रूफ कर पाई। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी घर की बेटी अगर सीमा जैसी बने, देश का नाम करे, सोशल वर्क करे, तो उसको अपनी पत्नी, अपनी बेटियों को उतना ही स्वतंत्रता देना आवश्यक है, क्योंकि एक स्त्री के सशक्त होने से सिर्फ वो परिवार नहीं, वो समाज और देश, हर जगह लोग सशक्त होते हैं, वो बहुत आवश्यक है। सशक्तिकरण से मेरा इतना ही मतलब है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद में जब जब मानसून का सीजन आता है, तब तब मैनपुरी अंडरपास से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे ही दिक्कतों का सामना आज भी करना पड़ा। पिछले मानसून में अंडरपास में पानी भरने से एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी नगर पालिका की लापरवाही से किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा था। अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, लगातार पानी के भरने से आने जाने वाले वाहन फंस जाते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर
हर खबर पर।